मध्य प्रदेश विधानसभा के नवागत नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। गोविंद सिंह ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी मिली है। पार्टी में जिस तरह से पहले काम करता था उसी तरह से काम करूंगा। ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के आज हमारे बीच मौजूद हैं और अभी हाल ही में उनको ये नई कमान मिली है और देखना होगा किस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज भाजपा नेताओं की चुनौती से निपटते हैं। वहीं सरकार को किस तरीके से घेरे में लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या उनका प्राथमिकताएँ रहेंगी। जी गोविंद सिंह जी, थोड़ा सा मुझे ये बताएं आप कि आपको नई कमान मिली है, पार्टी में नया जोश नई ऊर्जा आएगी, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं आगे? सवाल है कि मैं तो नहीं मानता मुझे कोई नई जिम्मेदारी मिली है। पार्टी में हमेशा काम करता था, उसी गत से आज भी करूँगा, भविष्य में भी की है और करता रहूँगा। पार्टी में जहाँ तक है कि सरकार के विरुद्ध हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी है और वास्तव में आज चरम प्रदेश की जनता कराह रही है सरकार के अत्याचार से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, लाचारी से हत्या करने को मजबूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की है कि वो अपना वैट टैक्स कम करें, तो क्या कहेंगे मध्य प्रदेश की सरकार के वैट टैक्स कम करेगी, क्योंकि रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा है इस मामले में? सवाल इस बात का है कि शिवराज सिंह जी को अपने मोदी जी प्रधानमंत्री जो के नेता हैं उनकी बात मानना चाहिए और अगर मोदी जी सच्चाई रूप से कहते हैं, अपील की है, तो उनको आदेश देना चाहिए सरकार को, शिवराज सिंह को तत्काल पूरी तरह से बैठ समाप्त करें। आज बैठ के 35-40 रुपए से जो भारत टैक्स लिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के समय में 3-4% लिया, लिया जाता था, आज 30-32% उन्होंने टैक्स लगा दिया है। वहीं ग्वालियर में भाजपा के दो कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अभी भाजपा में गए हैं कांग्रेस से, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि शुरू से ही भाजपा में हैं, तो उनकी चुनौती का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि आप भी चंबल अंचल से आते हैं, वे भी चंबल अंचल से आते हैं, तो किस तरीके से चुनौती रहेगी आपके लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम तो जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं, जनता हमारे साथ है, पब्लिक के बीच जाके जनता को गोलबंद करके जन समस्याओं का निराकरण कराएंगे, यही हमारा चुनौती है। इस चुनौती को जन समस्याओं का निदान कराना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये थे गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अभी हाल ही में नेता का प्रतिपक्ष का पद संभाला है और बेबाकी से जो है कहा है कि मुख्यमंत्री और सरकार को घेरेंगे, और सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़।